हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट एग्जाम स्टडी में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पॉलिटिकल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसे आप सीटेट और मास्टर कैडर के लिए यूज़ कर सकते हो। 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो लास्ट में आप बताइएगा कि आपको कितने के आंसर है। जो मालूम थे राइट आंसर थे, वो पता थे आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत में कितने अर्जित राज्य क्षेत्र हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 20 या ऑप्शन डी सी 0। तो भारत में जो अर्जित राज्य हैं, सिफर हैं, कोई भी अर्जित राज्य नहीं है। डी हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के रूप में जाने लगा, यानी कि कब जाने जाने लगा था? 1985 में या 1992 में, 2000 या 2006। तो इसका राइट आंसर आएगा बी, 1992 में। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8 या ऑप्शन डी 9। तो इसका राइट आंसर है सी 8। संविधान के 8 भाग में केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली से संबंधित विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद में है? 239 में या 239A में या 239AA में या 239AB में? विशेष प्रावधान पूछा इन्होंने, दिल्ली से संबंधित किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर है सी 239AA। अगला क्वेश्चन है, चंडीगढ़ का प्रशासक किस राज्य का राज्यपाल होता है? हरियाणा, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी राजस्थान या ऑप्शन डी दिल्ली। तो ये होता है पंजाब का, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर आएगा। भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में उपबंध हैं? भाग 8, भाग 7, भाग 5 या भाग 6? तो इसका राइट आंसर है ए, भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में है, जो उपबंध है भारत के संविधान की। अगला क्वेश्चन है, किस केंद्र शासित प्रदेश का सर्वे का उच्च न्यायालय है? ऑप्शन ए पाण्डुचेरी, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी चंडीगढ़, ऑप्शन डी अंडमान निकोबार द्वीप। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन बी दिल्ली। दिल्ली का है जो सर्वे का, यानी कि खुद का उच्च न्यायालय है। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल या ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री या ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। मुख्यमंत्री की नियुक्ति है जो कौन करता है, ये क्वेश्चन पूछा है। इसका आंसर है जो आपको बताना है, एक क्वेश्चन है जो हम आपके लिए छोड़ेंगे। कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा कि कौन सा आंसर है जो राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन ए राज्यपाल, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी राष्ट्रपति या ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। तो इसका राइट आंसर है ए राज्यपाल, जो कार्यपालिका का प्रमुख होता है। और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन ए राज्यपाल, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री या ऑप्शन डी राष्ट्रपति।
राज्य का संविधानिक प्रमुख है जो वो भी राज्यपाल होता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर रहेगा। सो गाइस ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे वीडियो में कमेंट में जरूर बताना और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। और जो हमने एक क्वेश्चन छोड़ा है उसका आंसर कमेंट में जरूर देना। धन्यवाद।